अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करते हैं आप भी सब खैरियत से होंगे। सॉरी थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और ये है मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। शॉर्ट शॉर्ट है और ये है लौकी, और लौकी का सैलन बनाने जा रही हूँ। साथ में लीमू पानी भी रखा है पीने के लिए, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी और फ्लाइट भी नहीं थी, तो सालन हो जाए तैयार। और साथ में आटा भी आज मेरे घर में गूंदा हुआ नहीं है, तो मैंने कहा देख लूँ, चलो देखो आटा नहीं है तो अभी वो भी गूंदना पड़ेगा। चलो जी ये देखें, सालन हमारा तैयार हो रहा है। मेरी वीडियो को ख़त्म होने से पहले प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, जितना कॉन्फिडेंस कम लगे कि एक चीज़ वीडियो बना सकें। लेकिन उनकी भी कोशिश जारी है। चलो हमारा तैयार हो गया है, अब ये है पेस्ट बनाने के लिए। तो जी पेस्ट तैयार हो गया है, अब इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज में करेंगे, शॉपिंग बैग में डाल के, और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो काट के इसकी टिकियां बना लेंगे। इसकी वीडियो पहले भी मैंने अपलोड की हुई है, आपको दिखाया हुआ है कैसे, और किसी टिकियां जो है हमने किसी डिब्बे वगैरह में सेव करके फ्रीज़र में ही रख देनी है, और जब भी ज़रूरत पड़े निकाल के तो यूज़ कर लो। तो जी अब ये है हमारा बना हुआ पेस्ट। इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी मैं बना रही हूँ, सॉरी मेरे पास फ़ोन होल्डर्स नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको पूरी पूरी वीडियो दिखाना, शॉर्ट शॉर्ट इसलिए दिखा रही हूँ। सोच रही हूँ कि वो एक फ़ोन होल्डर ले ही लूँ, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है, और ताकि मैं अच्छी सी वीडियो बना सकूं। जी रोटी थोड़ी कच्ची कच्ची ना रह जाए, इसलिए इसको मैं आग पे सेक रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। सालन हमारा तैयार हो चुका हुआ है, रोटी भी तैयार हो गई है, और इसके बाद हम जो है मिलकर इसको खाएंगे। ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आइंदा अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।